तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कचरे के डब्बे भी फुल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी तो जाएंगे नहीं ये। भी हो रही है भाई। अभी शाम का टाइम है और ये है 5 बजने वाली है यार। अब चलते हैं अभी काम पे, ड्यूटी पे चलते हैं। और ये है शाम की तैयारियां हो चुकी है ऑलरेडी, बारिश आ रही है इधर पे। तो आज पता नहीं तंदूर को क्या हो गया, जल नहीं रहे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो काफ़ी टाइम से देख रहा था इसको, बिल्कुल नहीं जल रहा है। आज चंदू ने बहुत परेशान कर दिए भाई, तंदूर जल ही नहीं रहा है बिल्कुल नहीं। ये 2 बजे बंद हो गया था आज दिन में। देखो इसमें पता नहीं, वो दिन में ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, हमने हल्के हल्के पानी मारा इसमें, हल्के से छींटे मारे थे। काफ़ी कोशिश और मशक्क़त करने के बाद में भी नहीं जला ये। तो अब देखते हैं कि हमारी शाम की इस तरीके से तैयारी हो चुकी है। और ये वीडियो एक्चुअल में बाद में एडिटिंग कर रहा हूँ, तो एक्चुअल आप लोग को बता दूँ कि तंदूर बाद में जल गया था, पर थोड़ा टाइम के बाद जला थोड़ा सा। हम लोग वो ये एक्चुअली जो गैस के तंदूर होते ही है ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करते हैं क्रिएट, क्योंकि कोयले वाले तंदूर हम लोग ने ज़्यादा यूज़ किया है। तो शाम का टाइम है और जैसे ही शाम को 5:30 बजे का टाइम है एक्चुअली, तो सोचा काफ़ी दिन से वीडियो वीडियो नहीं बनाया, तो चलो आप लोग को भी दिखा देते हैं आजकल का क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो मैंने रखा हूँ हंडी में बटर चिकन बनाने के लिए, देख रहे हो आप लोग। और बटर चिकन करी एक बार बना के रख देते हैं, बाद में फिर उसको सेट करके थोड़ा बहुत जैसा होता ही है अपने स्टाइल में थोड़ा देने का। तो सोचा फिर आप लोग के साथ में बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, वीडियो वीडियो नहीं बनाया, तो चलो मैंने सोचा चलो आज शाम से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा फिर से मौसम पहले जैसा हो चुका है। थोड़ा बहुत पहले जैसे काम चलता था, थोड़ा बहुत चल रहा है आजकल, अच्छा चल रहा है, भगवान की दुआ से सब चलना ही चाहिए, वरना आप लोग समझ सकते हो। तो काम रहेगा तो मज़ा भी आता है काम कर। तो ये है, आप लोग देख सक रहे हो यहाँ पर कि ये है शाम का टाइम और अपन बना रहे हैं अभी बटर चिकन। बटर चिकन भी बना रहे हैं, मतलब शाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। शाम की तैयारी मतलब क्या क्या अपने को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, थोड़ा सा फिर शाम को जो चलता है। तो एक्चुअली एक ही साथ में यहाँ जर्मनी का सीन कैसा होता है, जब रेस्टोरेंट जब चलना स्टार्ट होता है जर्मनी में, नहीं इवन अपन इंडिया में भी देखे, जबकि जो गेस्ट आना शुरू होता है तो एक ही साथ जहाँ क्राउड होता है तो वहीं क्राउड आता है, वहीं लोग जाते भी हैं। तो यहाँ का भी सीन सेम ऐसा ही है, जब आते हैं तो एक साथ में आते हैं, तो उसी टाइम पर क्या होता है कि उनको कैसे संभालना है, वो मेरा आप लोगों को थोड़ा बोल रहा था मैं। तो अपनी तो कभी कभी लग जाती है भाई, फंस जाता है बहुत बुरी तरह के तरीके से। तो क्या बोलेगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करो, बात करेंगे इसके बारे में। कौन है आज पिकअप में, कौन है, कौन है पिकअप में, पिकअप में कौन है आज, पिकअप में हाँ आज जीजू है। जीजू देखा, नाम ही कितना खतरनाक है, जीजू ना। हाँ किसका जीजू? Booking is there? Yes, 2 more cancelled. So okay, 2 cancelled? Eh? Yeah. So what room? I don't know. Yeah. Hi there. Ah, sorry, it's just a photo, right? No. You're making a video? I have a YouTube channel. Really? So, yeah. What's and, it about? Chef Rawat. My name is Chef. Sorry, my name is Balram, and I am a chef. That's the reason I kept. Then salad, tomato. 20 minutes. Now the time is beginning time in the evening. So even you can also subscribe my channel. My channel name is Chef Rawat Kitchen. So basically, I will use to say everybody that Chef Rawat. Mm-hmm. So he's a new in our team and. Hi. Alyosha. Yeah. Just like this. Yeah, you want to tell something? What do you do on the channel? You do cooking just at home and just blogging. Yeah. Just blog. It's about work, not from home or something. Yeah, even for some type of like blogging type of some information type of about for cooks. Mm-hmm. Whoever wants to come Germany from India, and what I know basically some of things I used to share with my audience. Mm-hmm. So they used to see and they will. Yeah. Yeah. Nice. Okay. Nice. I like. So even our madam loves that I'm doing blogging, no?
शी नोज दैट एवरी डे यू वॉन्ट्स टू सी दैट व्हाट्स गोइंग इन आवर रेस्टोरेंट राइट नाउ. शी इज नॉट हियर, सो इवन आई ऑल्सो लव्स टू मेक वीडियो. सो शाम का सीन है ऐसा, 19 नंबर भी टेबल सेट हो चुका है जिसमें हम लोग बैठते हैं रोज. ये है तो हो गया स्टार्ट शाम का टाइम. इसका नाम है जीजू. जीजू और ये शाम की चाय पी रहे हैं जीजू भाई लोग. तो ये अपना बार सेटअप अभी हाल फिलहाल ऐसा है. मैडम नहीं है बोल के तो सब लोग और चाय हम लोग ऐसा बना के रखते हैं शाम का टाइम थर्मस में. और ये हमारा बार सेटअप टकाटक. तो आज का ब्लॉगिंग शाम से स्टार्ट होने वाला है, शुरू कर रहे हैं अभी. इधर ला दो. क्या गया ऑर्डर? ऑर्डर भी आ गया शाम का 6:15 दो पर्ची आ गई, दो केवटी. पर्ची बोलते हैं इधर सब पंजाबी लोग, ज़्यादा करके पर्ची पर्ची बोलते हैं ना इधर, तो हम भी पर्ची बोलते हैं. तो एक्चुअल मुझको ना यहाँ पर का दो तीन चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को. आप लोग मेरा बात को बुरा मत मानो, मतलब मैं अपना एक ओपिनियन आप लोग के सामने रख रहा हूँ, मतलब मेरे दिल में क्या है वो बोल रहा हूँ. एक्चुअल यहाँ पर क्या है ना, मालूम है जैसे एक हॉस्पिटलिटी के कुछ सिग्निफिकेशन वर्ड होते हैं ना, स्पेशली जैसे केवटी हो गया, ऑर्डर लेना हो गया, देना हो गया, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल तरीके से हम लोग जैसे वर्ड को यूज़ करते हैं ना कि जाके ऑर्डर ले लो, तो इधर कुछ अजीब अजीब सा कुछ मतलब वर्ड बोलते हैं मतलब ना. तो एक्चुअल वो तो डिपेंड ये भी होता है ना कि मतलब आप किस माहौल में हो, किस लोगों के साथ में हो. जैसे पंजाबी लोग हैं तो वो लोग पंजाबी लोग बेसिकली पंजाबी के वर्ड यूज़ करेंगे. तो जैसे मैं अभी यहाँ पर केरला वालों के साथ में हूँ तो केरला वाला तो केरला नहीं बोलते उतना, पर वो लोग बेसिकली ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं. तो कुछ कुछ चीज़ ना, जैसे मुझे लगता था कि जैसे पहले बोलते थे कि पर्ची पर्ची बोलते, जैसे केओटी को बोलेंगे ना केओटी, आपको पता है केओटी को केओटी बोलते हैं तो अच्छा लगता है. तो जैसे कुछ चेंजेस लगता है ना, जैसे कि अपने इंडिया से आ रहे तो छोटे से छोटे ढाबा में भी काम कर रहा है कोई तो वो केओटी बोलेगा, उसको पता है कि हाँ केओटी बोलेगा. तो एक है मतलब एक हॉस्पिटलिटी का जो वर्ड है ना, तो यहाँ पर कैसे किसी के साथ में जैसे पंजाबियों के साथ में काम करेगा या किसी दूसरे लोगों के साथ में ना, तो उनका अलग अलग पंजाबी, एक्चुअल ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी लोग ही हैं एक्चुअली यहाँ पर ना रेस्टोरेंट जो चलाते, तो वो बोलते हैं पर्ची बना ले बोलते हैं. जैसे हम लोग नहीं बोलते कि चलो यार केओटी बना के लेके आओ, यार केओटी लेके आओ, तो वो क्या बोलते हैं पर्ची देता हूँ लेता हूँ ऐसे बोलते हैं. तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता नहीं वो, पर्ची बना लेता हूँ, पर्ची बना लो, पर्ची किधर है, पर्ची ये पर्ची वो. तो पर्ची बोले तो हम लोग वो जैसे वो छोटा छोटा सामान नहीं होता जैसे छोटे दुकान में, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली, थोड़ा फनी लगा मुझे ये वर्ड ना, तो मैं इसीलिए आप लोगों के पास बता रहा हूँ. तो सो हो सकता है किसी किसी रेस्टोरेंट में अभी भी ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा सा ना बोलते हैं ना थोड़ा सा मतलब ये वर्ड को मीन मेरा बीच में लाने का ये मतलब है कि आप लोग जर्मनी आओगे ना तो यहाँ पर आप लोग को अजीब अजीब से कुछ ना कुछ नया नया सुनने को मिलेगा एक्चुअल, कुछ ना कुछ जैसे कि केओटी तो हर कोई बोलता है, और पर्ची सुनने को मिलेगा कि भाई पर्ची लेके आओ. पर्ची तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये नॉर्थ इंडियन साइड में ही बोलते हैं, नॉर्थ साइड में ही बोलते हैं, पर तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है. मिलते हैं दूसरी वीडियो में. अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय. और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना. हाँ, मिलते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरी वीडियो में. बाय. चूस इधर बोलते हैं जर्मनी में, चूस.